अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुलेमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी टूल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन सा ऐसा फ्री टूल यूज़ कर सकते हैं आईफोन का बायपास करने के लिए, वो भी 12 से लेके iOS 12.5.5 से लेके 14.8.1 तक। तो आए शुरू करते हैं, मैं आपको सबसे पहले टूल का बता देता हूँ। आपने गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने अल सबाही मल्टी टूल जो है उसको सर्च करना है और पहली वेबसाइट को ओपन कर लेना। आपके सामने ये एक इंटरफेस जो है वो शो हो जाएगा। उसके बाद आपने ये सेम टूल जो है वो इस तरीके का इंटरफेस होगा आपके पास। आपने स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे ये आपके सामने डाउनलोड लिंक आ चुका है। यहाँ से मीडिया फाइल डाउनलोड करें और डाउनलोड इसका ये पासवर्ड है, पासवर्ड लगाएंगे तो ये एक्सट्रैक्ट होगा और आगे वर्क करेगा। तो उसके बाद आप जब ऑन करेंगे लॉगिन के लिए तो ये आपके सामने आ जाएगा। ऑटोमेटिकली इसके अंदर लॉगिन होगा, आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है और वो आपसे अपडेट लेगा। आपने अपडेट के पे क्लिक करना है। अपडेट के बाद वो अपना प्रोसेस करने के बाद ऑन कर हो जाएगा इस शेप के अंदर। और ये कौन कौन सी चीज़ों पे वर्क करता है वो भी आप देख लें। बाईपास GSM विद सिग्नल फ्रॉम 12 to 14.5.1 तक। उसके बाद विदाउट सिग्नल जो है वो 14.8 तक वर्क करेगा। MEID जो है विदाउट सिग्नल वो भी आप देख सकते हैं। MDM बाईपास है इसके अंदर 5S टू 13 प्रो मैक्स तक ये MDM बाईपास करेगा। सिम लॉक जो है वो भी, उसके बाद बाईपास ब्रोकन बेसमेंट जो है, जैसे आपका फोन जो है वो एरर देता है कि शट डाउन कर दें क्योंकि बेसमेंट अननोन हो जाती है बेसमेंट, तो वो आप कर सकते हैं। आईफोन और आईपैड दोनों का फिक्स नोटिफिकेशन कर सकते हैं। आईफोन के एप्लीकेशन को जो है वो फिक्स कर सकते हैं, फ्री बाईपास कर सकते हैं। ये आपके सामने ये प्रोसेस आईफोन का ये करेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं बैकअप कर सकता है, ये ऑटो रेज कर सकता है, अपडेट सर्वर के साथ अपलोड टू सर्वर के। उसके बाद आप देखिए बैकअप एक्टिवेशन फाइल्स है, अपलोड टू सर्वर, एक्टिवेट पासकोड ऑटो ऑल इन वन, रेज डिवाइस ओल्ड मेथड है, उसके बाद न्यू मेथड है। उसके बाद आप देख सकते हैं विदाउट बूट लूप A11 जो है, USB पैचर डायग मोड है इसके अंदर, ये आप चेक कर सकते हैं। बैकअप एक्टिवेटेड रीएक्टिवेटेड है इसके अंदर। उसके बाद रीएक्टिवेटेड बाईपास डिवाइस है। और उसके बाद आप देख सकते हैं फेक iOS आप राइट कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। उसके बाद ओरिजिनल iOS को डिसेबल बेसमेंट कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, डिसेबल OTA अपडेट्स कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे टूल्स पेड ये फैसिलिटीज़ आपको देते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है काफ़ी हद तक जो है वो फ्री है। आपको टूल के कोई भी ईयरली आपको पे नहीं करना या कुछ भी नहीं करना, बस कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो आपको पे करनी पड़ती हैं इसके अंदर भी, लेकिन जो ज्यादा है वो बाईपास वैसे ही हो जाता है आपका। तो आए मैं आपको टूल भी ऑन करके दिखा देता हूँ। जब आप ऑन करेंगे उसको अपडेट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद जो है आपने इसको ऑन कर लेना है। लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो है रियल टाइम प्रोटेक्शन वो आपने बंद कर लेना है। इसको करने से पहले यहाँ से मैनेज से जाने के बाद ये वाला ऑफ कर देना है। तो ये पेज आएगा, यहाँ से मैं करूँगा इसको लॉगिन। तो ये देख सकते हैं पेज लॉगिन हो गया। वेलकम सर, थैंक यू फॉर यूजिंग आवर टूल्स। इंफॉर्मेशन है वो उसने बता, सिस्टम ऑनलाइन एंड रेडी, ये आपके सामने है। इसके बाद अब आप देख सकते हैं जो चीजें मैंने उधर आपको दिखाई हैं वो आप यहाँ पे जो है वो कहाँ से आएंगी वो भी देख लें। बाईपास सर्विसेज इसकी आप देख सकते हैं, ये सारी आप 14.5.1 है, उसके बाद 14.8 है, 14.8 तक है। MDM बाईपास है, सिम लॉक जो है वो सारे के सारे आप देख सकते हैं। ये फ्री है, आपने सिंपल अपने फ़ोन को जेल ब्रेक करना है, फ़ोन को साथ कनेक्ट करना है फ्री बाईपास करने के लिए। iOS जो है ये 12.5.5 से लेके 14.8.1 तक फ्री बाईपास कर देता है आपको। आपने अपना फ़ोन कनेक्ट करना है, फ्री बाईपास पे क्लिक करना है और यहाँ से स्टार्ट कर देना है। जैसे स्टार्ट करेंगे डिवाइस अगर कनेक्ट होगी तो उसका ऑटोमेटिकली बाईपास हो जाएगा।
ये उसकी फैसिलिटी है। उसके बाद पासपोर्ट की ये फैसिलिटीज हैं आपके पास, ये आप देख सकते हैं सारी की सारी, और ये देख सकते हैं। उसके बाद ये एक्टिवेटर है इसके अंदर, मोस्ट जो ज़्यादा टूल्स के अंदर वर्किंग है, जैसे JV वगैरह लगाने के लिए सिम अनलॉक है, वो फेक iOS है, रिस्टोर है, डिसेबल है, उसके बाद डिसेबल OTA अपडेट्स हैं, ये चीज़ें आईफोन की हैं। उसके अलावा अगर आप दूसरा सर्च करते हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये मॉडल्स हैं आपके जो फ़ोन की कंपनी हैं ये हैं। यहाँ से आप अगर चेक करते हैं कि आपके पास कौन से मॉडल हैं तो ये देख सकते हैं ओप्पो के लेटेस्ट मॉडल भी इसके अंदर मौजूद हैं। ये देख सकते हैं कितने मॉडल्स हैं, रीनो की सीरीज कहाँ तक है, 6 तक। उसके अलावा आप देख सकते हैं अगर ओप्पो के अलावा हम कोई शॉमी का चेक कर लेते हैं, शॉमी में चेक कर सकते हैं आप रेडमी नोट 9, नोट 10S, नोट 8, पोको, काफ़ी सारी सीरीज हैं। रेडमी 10 है, 10 प्राइम है, इसके अंदर सारे वर्क आप कर सकते हैं। ये जो जो कर सकते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपके सामने। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, इसमें सैमसंग भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, सैमसंग के कौन से काम कर सकते हैं वो भी आप देखें। सैमसंग के ये वाले मॉडल्स हैं, हवावे चेक कर लेते हैं, ये देखें हवावे के मॉडल, काफ़ी सारे मॉडल्स इसके अंदर ऐड हैं। तो आप यहाँ से सिंपल अपना मॉडल चूज़ करें, जो भी आप करना चाह रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक कर दें तो वो देखें, वो आपको कह रहा है कि वेटिंग फॉर डिवाइस कनेक्शन, या जैसे ही आप उसको उसी मोड के अंदर कनेक्ट करेंगे जिसमें उसने वर्क करना है तो वो आगे अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। तो ये है आपका जो आप वर्क करना चाह रहे हैं ये वो है। इसके बाद जो है सर्विसेज आपको ये प्रोवाइड करता है, अच्छा टूल है, फ्री टूल है। इसका जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक भी डाल दूंगा, पासवर्ड भी वहीं पे आपको दे दूंगा। अगर आपको गूगल से नहीं मिलता तो आप डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री बाईपास के लिए यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सर्विसेज ये आपको प्रोवाइड करता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।